नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दो अपराधी को पुलिस ने दो देसी कट्टा व तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसंड थाना क्षेत्र के मलाही गांव में अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए। दो अपराधी को पुलिस ने दो देसी कट्टा व तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मलाही गांव में कुछ अपराधी अपराध को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसके आलोक में पुलिस की टीम छापेमारी करने पहुंची। पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगा। पुलिस ने खदेड़कर अपराधी डुमरा थाना क्षेत्र के बेला निवासी सूर्य नारायण ठाकुर के पुत्र आदित्य कुमार एवं बाजपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी सत्येंद्र मिश्र के पुत्र उत्सव कुमार को दो देसी कट्टा व तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अपराधी भागने में सफल रहा। इस संबंध में DSP अतनु दत्ता ने प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि अपराधी के इकट्ठा होने की सूचना पर पुवनी अचल अनुराग सहनी अरुण कुमार पुरी व पुलिस पर छापेमारी कर दो अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अपराधी भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अपराधी के अन्य कांड में संलिप्तता को लेकर गहन छानबीन की जा रही है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। हाँ, कल रात्रि को सूचना मिली कि सुरसंड थाना अंतर्गत ग्राम मलाही में कुछ अपराध कर्मी जुटे हुए हैं, जो बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसके लिए एक टीम का गठन कर तुरंत छापामारी के लिए ग्राम मलाही में भेजा गया, जिसमें पुलिस को देखते हुए जो अपराधी भागने लगे, जिसमें दो अपराधी पकड़े गए। एक तो भागने में सफल हुए। उन अपराधियों के पास से दो देसी कट्टा और तीन गोली बरामद हुई है। इसके अलावा एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। किस वारदात ये अपराधी कोई बड़ी लूट इत्यादि घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे, क्योंकि उस इलाके में लगातार इस संबंध में सूचना संकलन कर छापामारी की जा रही है। लोग सूचनाएं दे रहे हैं और सूचना के आलोक में ही ये छापामारी की गई। अपराधियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है? हाँ, इन लोगों का अभी तक जो ज्ञात हुआ है सीतामढ़ी टाउन इत्यादि में आपराधिक रिकॉर्ड है, उसको केस नंबर इत्यादि डिटेल प्राप्त किया जा रहा है विधिवत। क्या लगता है, इससे पहले जो अभी गोलीकांड का मामला सामने आया था उसमें भी इन लोगों के संबंध है? क्योंकि ये दोनों गोलीकांड रात्रि में, बहुत संभावना है कि इनकी टीम भी उस घटना में शामिल हो। उनकी पूरी छानबीन की जा रही है। छानबीन के पश्चात उन घटनाओं में इनकी संलिप्तता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों पास से हथियार के रूप में क्या क्या चीज बरामद किया गया? दो कट्टा है। इसके दो अपराधकर्मी जो पकड़े गए हैं उनका नाम है, एक आदित्य कुमार, ये डुमरा थाना क्षेत्र के हैं, बेला के। एक है उत्सव कुमार, ये मोहम्मदपुर बाजपट्टी थाना क्षेत्र के हैं। अपराधी कितने की संख्या में? तीन की संख्या में। जब इन लोग देखे गए उस समय सामने तीन थे, हो सकते हैं अगल बगल और लोग इनके साथ जुटे हो, उसकी सारी छानबीन की जा रही। कांड संख्या क्या दर्ज की गई? कांड संख्या इस समय सुरसंड थाना कांड संख्या 208 दर्ज की गई है। क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, किस तरह की तैयारी कर रही है? ये आपराधिक जितने भी घटनाएं हो रही हैं युवा वर्ग के द्वारा की जाई हैं, जो अपने रास्ते से भटक चुके हैं, उनसे हमारी आग्रह होगी कि सभी सही पथ पर चले। अवसरों की कमी नहीं है, अवसर भी है, चुनौती भी है। इस अवसर और चुनौती के बीच अपनी राह, सही राह पकड़ेंगे तो न केवल उनका भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि हमारे समाज, हमारे राज्य, हमारे देश की भविष्य है वो उज्जवल होगी। इस तरीके का जो बेखौफ अपराधी है, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? पुलिस उन्हें संदेश देना यही चाहती है कि कोई भी अपराधी, कितने भी बड़े हों, कितने भी रसूखदार हों, या वे समझते हों अत्यधिक चलाक है जो व्यवस्था से बच के चलेंगे, वो किसी स्थिति में नहीं बच सकते हैं। हर स्थिति में पकड़े जाएंगे और उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब आपके अपने गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम से खरीदारी करें मोबाइल, टीवी,
फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, एसी, 0% ब्याज, 0 डाउन पेमेंट पर। जी हाँ मेरे भाइयों, आपने सही सुना, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम, कर्पूरी चौक पुपरी एवं कर्पूरी चौक सिनेमा रोड धर्मनाथ प्रसाद जी के गद्दी के बगल में 3 मंजिल शोरूम पुपरी। यहां सभी प्रकार के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर एवं अन्य सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी करें। सही सामान, सही दाम।